हे गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टेनर्स। तो ये कहानी है कन्नड़ सुपरस्टार यश के बारे में। यश एक एक्टर के साथ साथ एक प्लेबैक सिंगर भी हैं, डिड यू नो दैट, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है, बट स्टेज नेम एज वी ऑल नो यश। इन्हें KGF मूवी से पहले मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी मूवी में रामाचारी रोल के लिए जाना जाता था। ये कन्नड़ मूवी है जो 2014 में आई थी। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को भुवनहल्ली कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कर्नाटक के मैसूर में स्थित महाजना हाई स्कूल से की, जिसके बाद बीवी कार्नेट द्वारा स्थापित बिनाका थिएटर से एक्टिंग सीखना शुरू किया। यश पहले स्टेज शो और टीवी शो में काम करते थे। इनको फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंगर के तौर पर भी जाना जाता है। यश का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम अरुण कुमार है, जो BMTC से एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है, और इनकी माँ पुष्पा हाउसवाइफ है। यश की एक छोटी सिस्टर नंदिनी भी है, जिनका पहला टीवी शो नंदा गोकुला था, जो कन्नड़ टीवी चैनल पर आता था। उसी समय यश की मुलाकात हुई राधिका पंडित से, और फिर दोनों को पहली ही बार में एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद इन्होंने अगस्त 2016 को एंगेजमेंट की और फिर 9 दिसंबर 2016 को शादी भी कर ली। अब इनकी एक बेटी भी है। यश ने 2004 में एक टीवी शो उत्तरायण से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो नंदा गोकुला, प्रीति लादा मेला, शिवा जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इन्होंने पहली बार 2007 में चंपाड़ा हुंडुंगे फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के रोल में काम किया था। फिर 2008 में अपने होने वाली वाइफ राधिका पंडित के साथ मोगिना मनासु मूवी में लीड रोल में काम किया था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही, जिसके बाद यश की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट बनना शुरू हो गया था, जिसमें कुछ मूवीज़ हैं मोडाला साला, किराटका, राजधानी, नाटक, जानू, लकी, राजा मौली, गोगली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, KGF चैप्टर 1, और अभी रिसेंटली KGF चैप्टर 2, जिसने सारे YouTube रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यश को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार भी माना जाता है। एक्टिंग के साथ साथ इन्हें सिंगिंग के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी वाइफ राधिका पंडित के साथ एक टीवी सीरियल में भाई बहन का रोल भी किया है। 2009 में यश को मोगिना मनासु के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल कन्नड़ फिल्म फेयर दिया गया था। यश को ड्रामा गोगली के लिए बेस्ट एक्टर कन्नड़ फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिर 2015 में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और SIIMA में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो गाइस, ये थी यश की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।